जो कहाँ बने घूम रहे हैं? जोकर बने सर। कहाँ से आए हो? ये अपने रेलवे क्रॉसिंग से। टावर बन रहा है नया, लेकिन काम चल रहा है अभी कंटिन्यू। इसको हमने कहा बारिश की वजह से ये प्यारी से रास्ता यहाँ पे जीटी रोड बनी हुई है। भाई भाई सा ये देख। हाँ बेटा तुम्हें बताए भाई हम। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं अभी 9:45, ठंड ठंडी हवा चल रही है, बारिश अभी भी जाके बंद हुई है। तो ये देखो आप लोग कितना पानी पड़ा है यहाँ पे, फूल भी टूट के गिर चुके हैं। बारिश अभी भी जब से आ रही थी ना, मतलब हो रही थी, तो अभी बंद हो चुकी फिलहाल तो। और ये सामने का मौसम है, काला काला सा अभी भी है, और मतलब अभी खुला नहीं है। कल से कंटिन्यू बारिश हो रही है, कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये देखना भाई, ये हमारे यहाँ के खेत वाला सीन है, कितना पानी भरा है, पूरा तालाब बन गए हैं खेत। मैं ना रूम में झाड़ू मार देता हूँ तब तक। ये जो सामने बल्ब जल रहा है भाई, यहाँ पे छिपकली बैठी हुई है पिछले 5 दिनों से बैठी हुई है ऐसे ही। क्यों पता है? क्योंकि छिपकली जो होती हैं वो ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, मतलब उनका खून ना जमने लगता है, तो उसको गर्मी पाने के लिए ये बल्ब के पास बैठी हुई है यहाँ पे। और ये 0 वाट का बल्ब जल रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दिन में कोई काम नहीं है बल्ब का। तो ये भाई हम आ गए कार में, और चलो इस पर सेल्फ मार देते हैं यार। बारिश भाई फिर से शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप लोग, झपसा गिर रहा है यहाँ पे और सब कुछ भीगा सा लग रहा है आजकल। तो फाइनली गाइस मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और बिलीव नहीं हो रहा धूप निकल आई भाई। बहुत तगड़ी धूप निकली थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई है, धूप तो निकली है भाई। तो हमने थोड़े कपड़े डाल दिए हैं सुखाने के लिए, और अभी चलते हैं कुछ खा पी के, फिर जाते हैं पढ़ाने। जो कहाँ बने घूम रहे हैं? जोकर बने सर। कहाँ है? तुम ड्राइवर भी प्रोग्राम कर रहे थे 15 तारीख को, झांकी नहीं कर रहे सर अपने मैनेजमेंट की। कहाँ से आए हो? ये अपने रेलवे क्रॉसिंग से रहेगा सर, पूरा बच्चे लोग सजा के पूरा झांकी निकालेंगे। रुक जा रुक जा, और लोग भी हैं। भाई ये क्या उन्हें घूम रहे हैं यार जोकर टाइप में। ये देखो ये देखो, नौटंकी कितनी करते हैं बच्चे। तो भाई वो झांकी के लिए पैसे मांग रहे हैं, गणेश जी के कुछ निकालने वाले ऐसे आए थे मांगने, लेकिन ऐसे बन के आने क्या जरूरत है, बच्चे डर जाए फालतू में। ये देखो भाई दूसरा जोकर ये जा रहा है यहाँ पे। तो मतलब ये कोई इनका यूनिक तरीका उन्होंने निकाला है कि ऐसे कपड़े पहन के चलो गली मोहल्लों में और वहाँ पैसे मांगते हैं। देखो भाई कितनी तगड़ी धूप निकल आई है, अभी एकदम चमकीला मौसम हो गया है। और सामने कुछ दिखा आपको कि नहीं? चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखो भाई टावर बन रहा है नया, ये देखो चढ़े हैं, कीड़े जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल इतने ऊपर चढ़े हैं वो लोग। ये देखो नया नया टावर लग रहा है, पता नहीं काहे टावर है ये फिलहाल, लेकिन काम चल रहा है अभी कंटिन्यू, इसको ऊँचा कर रहे हैं। और कितनी मेहनत का काम होता है यार, मतलब कितना ख़तरनाक काम होता है, नीचे गिरो तो कुछ हड्डियाँ भी ना मिले। इतनी ऊँचाई पर चढ़े हुए हैं ये लोग, देखो वो देखो अपना पिलर जो है आगे खड़ा कर रहे हैं, ये देखो। तो ये सीन है भाई, पता करते हैं काहे का टावर है। फिलहाल ये मेरे पूरे मोहल्ले में ही लग रहा है मेरे ख्याल से, हाँ मोहल्ले में ही है, मोहल्ले के पार नहीं है। तो ये नया टावर लग रहा है, पता नहीं काहे का। लेकिन ये लोग ना भाई बांधे हैं अपने आप को, देखो आपको एक रस्सी से दिख रही होगी इसकी पीठ में लगी हुई, तो मतलब ये लोग गिर नहीं सकते, थोड़ी प्रोटेक्शन के साथ चढ़ते हैं। तो भाई फिलहाल हम निकल चुके हैं घर से, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है, और आज है 13 तारीख, मतलब 13 सितंबर है आज, और गणेश जी का विसर्जन है आज के दिन। तो बाहर ना बहुत गाड़ी वगैरह खड़ी वहाँ पे जहाँ पे गणेश जी आए थे, और अभी ले जाएंगे इनको, और ले जाएंगे सही नदी में सीधा रोड पे, वहाँ पे विसर्जन करेंगे। तो वैसे भाई मैं बाइक से आने वाला नहीं था, बट धूप वूप निकला है तो सोचा कि बाइक चलते हैं, ऑटो से कहाँ भटकेंगे फालतू में, इधर उधर ले जाएंगे किराया बढ़ाएंगे। तो ये भाई सामने का सीन है, और काफ़ी हरियाली इधर खेतों में, सामने बच्चे यहाँ बैठ के मछली पकड़ रहे हैं भाई लोग। अब ये नाला है इसमें मछलियाँ पकड़ रहे हैं बैठ के, भाई मिलती होंगी तभी तो पकड़ रहे हैं, जाहिर सी बात। चलो भाई एक कोचिंग हमारी पूरी हो गई, बच्चे बोल रहे हैं कछुआ है। अरे कछुआ वहाँ, कछुआ नहीं तो तुम्हारे घर में रहेगा कछुआ? क्या हमारे पास सच में कछुआ है? ऊपर से दिखता, मैंने देखा था लक्की ने भी। तो यहाँ तो सांप भी है भाई यहाँ तो। तो भाई ये कुछ हाल है सामने का, बारिश की वजह से ये प्यारी से रास्ता यहाँ पे जीटी रोड बनी हुई है, और बहुत ही साफ सुथरी रोड है यहाँ पे। इधर सब पूरा मैदान पड़ा हुआ है, इस पर आप आके मैच खेल सकते हैं। घर चलते हैं, हमारी बाइक यहाँ खड़ी हुई है। और भाई पता है कुछ आवाज़ सी आ रही थी, तो मैंने देखा कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा फिलहाल कि मेरे इसमें टैबलेट घुस गई थी दवा, देखो वो बाहर आ गई है वहाँ से, अपने आप बाहर आ गई भाई, वो देखना बाहर आ गई। आपने ये मैंने अपने ब्लॉग में दिखा दिया, भी अंदर चली गई थी, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, अभी देखो बाहर आ गई है। अब मैं इसको निकालने का प्रयास, ओ भाई 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 सा ये देख,
पूरे पूरे एक महीने बाद निकली उसके अंदर से, वो भी अपने आप निकली, हमने निकाली भी नहीं। लो खा लेना, लो खा लेना, गैस नहीं बनेगी तुम्हारे, अरे गैस नहीं बनेगी तुम्हारे, खा लेना। ओके भाई, पहुंच गए फाइनली, और पैर पूरे खराब जाते हैं यार, इतना कीचड़ रास्ते मिलता है ना, बाइक पे बैठे हो फिर भी पैर खराब हो जाते हैं। और ये नज़ारा देखिए आप, ये नज़ारा आपको सुकून देगा। अरे और फिलहाल अगर यहाँ पहाड़ वहाड़ होते तो और अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर नर्दों में पहाड़ तो है ही नहीं, तो क्या बताएं आप, लेकिन अच्छा लग रहा है दूर तक जब देखो ना तो अच्छा लगता है फिलहाल तो इसी ने। और बच्चे अभी, और बच्चे अभी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, फिलहाल अभी आए नहीं है। देखो ये मेरा स्टूडेंट है ना, इसको मैं कूटने वाला हूँ, बट ये भाग रहा है इधर उधर, कहाँ गया, कहाँ गया इधर, कहाँ गया अभी। हाँ बेटा तुम्हें बताएं भाई हम, हाँ बेटा तुम कब तक भागोगे, बेटा भागोगे तुम कब तक भागोगे, आप तुम्हें कूटेंगे। हाँ वीडियो से डर लगता है, तब से भाग रहे तब नहीं आ पाए, अब बोल लो मार लो। हाँ आओ, कोचिंग पढ़ा के हम आ गए थे वापस, और अभी हम आ गए हैं थोड़े चौराहे के पास, यहाँ पे है महाराजा सिंह पार्क। थोड़ा जल्दी बोल दिया मैंने, और बहुत ही कम, मतलब दूसरी बार मैं इसके अंदर एंट्री मार रहा हूँ, वैसे कभी आता होता हूँ नहीं यहाँ पे, पता नहीं ये पार्क क्यों है भाई, यहाँ पे पार्क जैसा कुछ है नहीं, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है भाई, पता नहीं कुछ चल रहा होगा, और यहाँ झाड़ू वाड़ू लग रही भाई इस पार्क में, लग रहा है कुछ शादी प्रोग्राम वाला प्रोग्राम है यहाँ पे। टंकी देखो कितनी बड़ी है यहाँ पे, वैसे काफ़ी बड़ी साइज में है टंकी, है इतनी बड़ी होती नहीं है हृदय में। और यहाँ पे पूरा इसको ऑपरेट करने का सिस्टम लगा हुआ है टंकी का, यहाँ पे लगा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, और चार लोग जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब कुछ प्रोग्राम इसमें होने वाला है फिलहाल भाई। सामने आप ये पेड़ देखना, पता नहीं पीपल है कि बरगद है, हमारे तो फिलहाल दोनों नहीं लग रहा है, ये कितना प्राचीन लग रहा है भाई, इसकी लटाएं देखना कितनी भयंकर यहाँ पे निकली हुई हैं, ये देखना भाई इस तरीके से, कितना प्राचीन पेड़ लग रहा है, ये बहुत पुराना लग रहा है, कितना बड़ा सांड है भाई, कितना बड़ा, इतने बड़े साइज के सांड तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो देखना भाई जा रहा है, कितना बड़ा सांड है भाई, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा सांड, पता नहीं क्या खाता होगा ये। तो भाई बहुत टाइम यहाँ पे हमने स्पेंड कर लिया, चलते सीधा घर की तरफ निकलते हैं, और हो गई शॉपिंग जो भी होनी थी। तो गाइस मैं घर आ चुका था, अब मेरे को थोड़ा पंखा बंद कर देता हूँ, फिर ऑडियो सही आएगा, लाइट जला लेता हूँ, ये जल गई लाइट, ये बंद हो गया पंखा। तो भाई मैं घर आ गया था, उसके बाद मैं एक जगह गया था, पर मैंने शूट नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि बार बार वहाँ एक ही जगह मैं शूट नहीं कर सकता ना इसीलिए। तो भाई ये था आज का व्लॉग, और मैंने ना अभी सारे कपड़े धुल डाले हैं अपने, जो भी गंदे पड़े थे वो इसलिए क्योंकि भाई कल सरिता जी हरदोई आ रही हैं हमारे पास दो दिन के लिए, क्योंकि वो ऑफिस में अपने मतलब लखनऊ में जॉब करती हैं, तो दो दिन की छुट्टी मिली तो मेरे पास आ रही हैं, तो इसलिए मैंने कपड़े धुल डाले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मतलब दो दिन के लिए आए वो, तो मैं उनसे कपड़े धुलवाऊँ इस तरीके से, तो मैंने पहले सफाया कर दिया। वैसे मैंने अभी अभी धुले हैं ये सब कपड़े, ये देखो वहाँ तक टंगे हुए हैं जो मेरे ही हैं सब। चलो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और कैसा लगा कमेंट करके बताएं इसके बारे में, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। यार मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बंदर क्यों आ जाते हैं भाई, भाई भाई मेरे पास मत आओ यार, मेरे पास लगा दे भाई इसको, खुद उधर जा रहा, जा भाई जा, जा यहाँ से जा, जा भाई इतना है।